जिस प्रकार आकाश है तो सब कुछ दिखाई देता है ना, ये आकाश ना हो तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमें, है ना। तो इसी प्रकार से आकाश कर कुछ नहीं रहा है लेकिन दिखाई सब दे रहा है, उसकी उपस्थिति ही सब चीज़ दिखाने में सक्षम है। इसी तरीके से आत्मा इस शरीर में दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसकी उपस्थिति से ही ये शरीर और सारे अंग प्रत्यंग सभी काम कर रहे हैं ना, सारे कर्म हो रहे हैं शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा कर्म नहीं कर रही है, आत्मा के द्वारा ये शरीर कर्म कर रहा है ना, इंद्रियां कर्म कर रही हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि में परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ चल रहा है, सृष्टि में कि परमात्मा की उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य कर कुछ नहीं रहा है लेकिन सूर्य से प्रकाश सब जगह फैल रहा है ना, इसी तरीके से शरीर में आत्मा भी है, वो करती कुछ नहीं है लेकिन उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है, सारे कर्म हो रहे हैं ना। इसी तरीके से हम समझेंगे कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, तो इस शरीर से न्यारी आत्मा है जिसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। अवेयरनेस, चैतन्यता इस शरीर में है तो सब कर्म हो रहे हैं शरीर के द्वारा। ओम शांति।